तो देखिए, इससे पहले की वीडियो में 12 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके थे सीटेट पेपर 2 जो कि 31 जनवरी 2021 को हुआ था, उसकी पैडागोजी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको जो आप स्क्रीन का एग्जाम देने वाले हैं 21 मार्च को उत्तराखंड में, उसकी एप्टीट्यूड में आपको हेल्प करेगा। आप DSSB का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा, KVS का एग्जाम देते हो, जहाँ पर भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का आता है वहाँ पर ये जो डिसीजन है आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि आप जो पेपर दिया है तो आपने आंसर्स मैच कर लें, ठीक है, वो तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आने वाले जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी आपकी जो समझ है वो विकसित करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। देखिए, हॉवर्ड गार्डनर तो आपको पता ही है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस इन्होंने दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपको आप जानते हैं कि कौन सा थ्योरी है बताइए, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया है, जिसमें इन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। जीन प्याजे इन्होंने डेवलपमेंट मॉडल दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल जिसको हम बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और लाइव आगे उसके लिए भी समान रूप से वो सिद्धांत दिया है, बट अंतर यह है कि जीन प्याजे जो अपना सिद्धांत दिए हैं उसमें इन्होंने जैविक परिपक्वता को आधार माना है, जबकि लेवायोस्की ने समाज को आधार माना है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में ये पूछ रहा है देखिए कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा नहीं हो सकता है, तो हॉवर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोहलबर्ग तो इसका बिल्कुल आंसर नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कोई चर्चा ऐसी नहीं करते हैं। जीन प्याजे और वाइगोस्की दोनों के सिद्धांत में बहुत सारी समानताएं हैं, और ये भी एक समानता है कि दोनों ही ये मानते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी जो चिंतन क्षमता होती है उसका विकास होता है, और इसीलिए जो एडल्ट होगा, जो बड़ा बच्चा होगा, उसके अंदर छोटे बच्चे की अपेक्षा अधिक थिंकिंग एबिलिटीज़ होंगी, यानी कि उसका जो क्वालिटेटिव लेवल जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका आंसर आपका जीन प्याजे और लेवायोस्की में दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर लेवायोस्की होना चाहिए, बट मैं ये मानता हूँ कि इसका आंसर जीन प्याजे भी हो सकता है। कारण ये है कि दोनों ने ही इस संबंध में अपने सिद्धांत दिए हैं, और दोनों के ही सिद्धांत में आपको ये चर्चा इजीली मिल जाएगी। बट क्योंकि लेवायोस्की बार बार ये एम्फेसिस करता है कि अगर बच्चों को सीखना है तो उनको अपने एडल्ट्स की हेल्प लेनी होती है एक सामाजिक वातावरण में, इस आधार पर इसका आंसर लेवायोस्की हो सकता है। तो फिर से वही बात है कि इसके आंसर में मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों हो सकते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट, कि विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों का एक कारण होता है। हिंदी में काफ़ी जटिल प्रश्न शब्द हैं, आप अंग्रेजी में देख लीजिएगा। डेवलपमेंट अकर्स इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। बिल्कुल होता है, विकास के संबंध में ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन इसके आगे वाले कथनों के संबंध में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। अगर वो इससे बेस्ट होते हैं या इससे बेटर होते हैं तो हमको उन ऑप्शंस को टिक करना पड़ेगा। देखिए, कई बार क्या होता है, किसी प्रश्न के एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, लग रहे होते हैं हमको, बट उनमें से जो बेस्ट आंसर होता है उसकी तरफ हमको जाना होता है। विकास एक सरल और एक देसी प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, होती तो हैं, बट ये उतना परफेक्ट आंसर नहीं है। संसार में सभी बच्चे विकास के एक ही क्रम और में और सुनिश्चित समय में होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों के विकास के क्रम तो समान होते हैं, लेकिन जो समय होता है, जो दर होती है, वो अलग अलग होती है। इस वजह से इसका आंसर 4th नंबर का नहीं हो सकता, तो इसके हम इसका आंसर 1st वाला मान सकते हैं, ठीक है, कि किसी क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है कौन सा नहीं है इस पर भी चर्चा की जा रही है, राइट, ताकि आप लोग थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन है उसके संबंध में समझ अपनी विकसित कर सकें। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख प्रमाण चिन्ह कौन सा है। देखिए, अब यहाँ पर बाल्यावस्था के संबंध में कई सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने अवधारणाएँ रखी हैं, अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन हम जीन प्याजे, वाइगोस्की आदि के संबंध में जो भी चर्चा है उसको लेते हुए चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है ये भी जीन प्याजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग दे रहा है। देखिए, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, पेशी कौशल एवं समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये तो शैशवावस्था में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज की बात है ये आपके जीन प्याजे की। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, ये 11-12 साल के बाद होता है, ठीक है, तो यानी कि बाल्यावस्था की बात चला जाएगा। ये प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, ठीक है, ये हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, बट तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हो, तो कॉन्क्रीट
नेचर वाली जो लॉजिकल थॉट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। आपने पढ़ा होगा जो प्याजे की थर्ड नंबर की स्टेज है, इसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। उसकी अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है और वही अवस्था आपकी हम ये मानते हैं कि जो मिडिल एज होती है या हमारी जो मध्य बाल अवस्था होती है उसकी अवस्था मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका फोर्थ नंबर सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर संक्रियात्मक अवस्था में, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। देखिए ये तो प्रश्न आपका फैक्चुअल आ गया है। तो यहाँ पर आपको जीन प्याजे ने जो स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल एंड कंक्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल स्टेज, इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको रिकॉल करनी है। तो इसके आधार पर मैं सीधे प्रश्न की तरफ चलता हूँ और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि फॉर्मल स्टेज में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रिपोजिशनल थॉट्स। ठीक है, बच्चों में परिकल्पना करने की निगमनात्मक जो तर्क होते हैं उसकी क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, ये आप लोग जानते ही हैं। तर्क आधारित जो प्रश्न है उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने और धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित कर रहता है। ठीक, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करेंट सोशल सिस्टम इंश्योर पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल ऑर्डर। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बिकॉज फोर्थ वाला देखिए आप, सामाजिक क्रम अवस्था व्यवस्था अभिविन्यास, जिसको हम अंग्रेजी में सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग कहते हैं, जो कि आपका लेवल नंबर 2 के अंदर आता है और ये स्टेज नंबर 4 भी है। तो इसके अंदर ये माना जाता है कि जो नियम समाज द्वारा बनाए गए हैं यदि उनका पालन किया जाए तो समाज में सुरक्षा पूर्वक रहा जा सकता है और किसी भी रूप से बायकॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे ज़्यादा। बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव क्वांटिटीज़ में परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल नहीं, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। अनियमित एवं असंबद्ध होता है, यानी कि डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है। लेकिन बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये इसका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 मे बी राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। आपने वाइगोस्की का नाम सुना होगा, वाइगोस्की के सिद्धांत में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है, जहाँ पर ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में एक मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि आप जब सीखने जा रहे हैं तो आपसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति वहाँ पर रहेगा जो कि आपको समय समय पर हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो वह क्षेत्र होता है, देख लीजिए कहाँ पर आपको मिल रहा है। द प्रोसेस वी आर टू इंडिविजुअल्स हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ में पर पहुंचते हैं, बिल्कुल नहीं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि के अधिकार सीखते हैं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले, देखिए आगे ना, अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 19 का एक सही आंसर है। फिर से बात वही है कि जो सेट मेरे पास है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 19 है, आपके सेट में क्वेश्चन नंबर 20, 18, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने सेट के अनुसार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, अभिभावकों को पृष्ठपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, बेहद कम या असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। क्या आप जब मूल्यांकन करते हैं तो उस दौरान, और प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहे हैं, प्रगतिशील कक्षा में जब आप मूल्यांकन करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है कि केवल उनके बच्चों के अभिभावकों को बताना कि उनका बच्चा कितना सफल है कितना असफल है? नहीं, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्यों सही नहीं है, बच्चों में अधिगम में सहायक नहीं होता है, बिल्कुल मूल्यांकन तो बच्चों के अधिगम में सहायक होता है, इसलिए मूल्यांकन को अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग भी माना गया है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है, बल्कि हेल्प जो करता है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार व अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार नहीं है। इट मीन्स जो क्वेश्चन है उसका सार ये है कि आपको जो मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं तो ये देखना है आपको कौन सा मैच हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो भाषिक यानी कि लिंग्विस्टिक जो होगा वो क्या मूर्तिकार बन सकता है? नहीं, वो तो आपका या तो लेखक बनेगा या कवि बनेगा, राइट। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गति संवेदनता वाला जो व्यक्ति है वो क्या बनेगा? बिल्कुल एथलीट बनेगा, खिलाड़ी बनेगा, ये बिल्कुल सही जोड़ा है इसका। लेकिन इसके आगे और देख लेते हैं, स्थानिक यानी स्पेटियल क्या मनोवैज्ञानिक बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। स्थानिक तो बनेगा आपका या तो आपका आर्किटेक्चर बनेगा या इंटीरियर डिजाइनर बनेगा एटसेट्रा। अंतरावैयक्तिक क्या बनेगा? विक्रेता बनेगा? नहीं, अंतरा मतलब होता है जो अपने बारे में जानता हो, अपनी क्षमताओं को जानता हो, ठीक है। और विक्रेता जो बनता है, सेल्समैन जो बनता है, वो बनता है आपका अंतरवैयक्तिक वाला। दो होते हैं ना यहाँ पर, इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो जो इंट्रापर्सनल होता है वो दूसरे के व्यवहार को जान करके उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करता है, तो सेल्समैन यही क्वालिटी इसके अंदर होती है। तो अगर यहाँ पर इंटरपर्सनल होता तो हम इसको सही मान लेते, बट यहाँ पर इंटरपर्सनल है तो ये सही नहीं है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका है सेकंड वाले का, सॉरी ऑप्शन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ले वाइगोस्की के अनुसार, फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखिएगा, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। स्कीमा के परिपक्वन, ये स्कीमा शब्द का तो प्रयोग वाइगोस्की द्वारा किया ही नहीं गया, ये तो आपका जीन प्याजे ने किया है ना, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बिल्कुल, वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका होती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ सुन लीजिएगा, आप चर्चा का विषय है कि जीन प्याजे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वैसे वैसे बच्चा भाषा सीख लेता है, जबकि वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा यदि भाषा सीखता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स लैंग्वेज फर्स्ट, राइट, कौन कहता है आपका? वाइगोस्की कहते हैं। एंड लैंग्वेज सेकंड कौन कहता है आपका? जीन प्याजे कहते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। क्या आप बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को दंड देते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट। पुरस्कार देते हैं ये तो सही है, बट दंड देने वाली बात जहाँ पर आ रही तो ऑप्शन ये सही नहीं माना जाएगा। अध्यापक लचीला है और बच्चे प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये ऑप्शन इसका एक प्रकार से सही माना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है? बिल्कुल नहीं करता है। अध्यापक अपने अनुभवों को और बच्चे के वातावरण के अनुभवों को भी इसमें शामिल करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है? बिल्कुल वर्गीकरण नहीं होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आप जानते हैं कि अध्यापक फ्लेक्सिबल होता है और वो प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कार्य को मॉडिफाई कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी कल्चरल टूल को इम्पोर्टेंट किसने माना है? तो बिना समय वेस्ट किए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ले वाइगोस्की इज राइट आंसर। ले वाइगोस्की ने ही संज्ञानात्मक विकास में जो कल्चरल टूल है उसको उपयोगी माना है। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी हो सकती है? तो बताइए, एक ही लिंग, आपने क्या करना है, बच्चों में जो लैंगिक रूढ़िवादिता आ गई है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के जॉब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आपको दिखाई देगा? एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, बिल्कुल नहीं। अगर आप लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग बनाएंगे तो इससे तो स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, कम थोड़ी हो जाएगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये इसका ऑप्शन हो सकता है, बट अभी हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, देखिए भले ही हम स्टीरियोटाइप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम जो जेनेटिक्स हैं, जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो हमारे जो सेक्स के जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम रिजेक्ट करते हैं, ये भी नहीं हो सकता ना, राइट। तो समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाना, लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाएंगे तो आप स्टीरियोटाइप को बल दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर टू का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर टू। चलते हैं 26 की तरफ। तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझाना चाहिए, क्या
समस्या समझेंगे हम इसको नहीं। बहुभाषिता तो क्या है, एक क्वालिटी है एक टीचर की। अगर उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो हर अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे को टैकल कर सकता है, इजीली समझा सकता है, ठीक है। तो समस्या तो ये नहीं है, ये एक व्यवस्थागत मुद्दा है, सिस्टमेटिक इश्यू है, बिल्कुल इशू नहीं है। ये गुण है, येस इट इज़ अ क्वालिटी और एसेट, जो भी आप कहिए इसको, यह एक रुकावट है नहीं। देखिए, समस्या, व्यवस्थागत मुद्दा और एक रुकावट, ये तीनों की तीनों नेगेटिव एटीट्यूड को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी नेगेटिव आपको दिखाई देगा तो उसको तो आप वैसे ही रिजेक्ट कर दीजिएगा। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में ये पूछ रहा है आपसे, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चाइल्ड या चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और जो क्रिएटिव होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराना, तो बच्चों को प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या ऐसा है? नहीं है। आप अगर बच्चों को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देंगे तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो तो उसके अगेंस्ट भी कई बार काम करते हैं, तो ये आपका क्या है, एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। रटने पर आधारित परीक्षा नहीं, रटना तो हम कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते क्लासरूम के अंदर, राइट। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये एक सही आंसर इसका हो सकता है। गिविंग चैलेंजिंग टास्क, भाई कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो उसको आप क्या करेंगे, आप उसको चैलेंजिंग टास्क दीजिए, तो उसमें आप वो एंजॉय भी करेगा और इससे क्या होगा, उसका बोर्डम भी दूर हो सकता है। अब ऐसे प्रश्न आपने दे दिए बच्चे को आते हैं तो बोर हो जाएगा करते करते, यस और नो। तो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन आपका है, गिविंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो याद रखिएगा, जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है उसकी थिंकिंग कन्वर्जेंट नहीं होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ से आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि अ क्रिएटिव चाइल्ड हैव डाइवर्जेंट थिंकिंग रेदर देन अ कन्वर्जेंट थिंकिंग, ओके। तो फोर्थ वाला भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पठन वैफल्य यानी कि जो डिसलेक्सिया होता है, देखो लेक्सिस मतलब होता है द मिनिमम यूनिट ऑफ वर्ड, ठीक है। तो पढ़ने और लिखने संबंधित ये बात की जा रही है, तो समझ लीजिएगा कि चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता को का विश्लेषण करके, बच्चे सही से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे का जो डिसलेक्सिया है उसको आप डिफाइन कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, जो बच्चे कम देख पाते हैं, पार्शली साइटेड होते हैं, वो उनको बोलती पुस्तकें और स्पर्शी सूचना पट जो हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। देखिए, हम लोग खुद भी आजकल यूट्यूब या फिर ऑडियो बुक्स जो होती हैं उनसे पढ़ते हैं, तो हम भी तो बोलती पुस्तकों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो बच्चे भी ये भी करेंगे आपके। छोटी मुद्रा वाली कार्डशीट, छोटी मुद्रा वाली कार्डशीट मतलब कि जो बहुत छोटा जिसमें लिखा हो फॉन्ट, वो तो ये बच्चे अच्छे से नहीं देख पाएंगे, इनको दिक्कत होती है, क्योंकि पार्शली क्या है आपका, ये साइटेड है। अगर आपके दृष्टि दोष है यानी कि आप चश्मा लगा करके देखते हैं तब भी आप बिना चश्मे के छोटे अंकों को या फिर छोटे फॉन्ट को नहीं देख पाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से ये जो है ये सामग्री इनके लिए उपयुक्त नहीं होती है। बाकी बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें तो ये प्रयोग करते हैं, त्रिविमीय नक्शे का प्रयोग भी ये कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या है ऐसा विचार, क्या होती है समावेशी शिक्षा, आप लोग रिकॉल कीजिए फिर इसका आंसर दीजिएगा। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। तो अगर बच्चों में अक्षमताएं हैं और आप उनको अलग अलग पढ़ा रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहाँ हुई? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सभी बच्चों को, अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों को एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाना, दिस इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, बिल्कुल। हर बच्चा चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वो एक ही क्लासरूम में एजुकेशन ले सकता है, ये इसका सही आंसर हो सकता है। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, पृथक तो हम कर ही नहीं सकते हैं, अगर हम पृथक कर देंगे तो फिर इंक्लूसिव कहाँ से रह जाएगा। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, ये भी एक इसका सही ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का जो कि समावेशी शिक्षा के संबंध में बात कर रही है, उसका सही ऑप्शन है 2, जो ये कहता है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें कि हम बच्चों को नियमित विद्यालय में यानी कि एक रेगुलर स्कूल में समान शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ CPD ऑफ पेपर 2 CTET held on 31st January 2021, ठीक है। तो आपने ये पूरा सेशन देखा होगा, इससे पहले एक और वीडियो हमारा आया है उसको आप देख लीजिएगा,
राइट, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कशन किया है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमने यहाँ डिस्कशन किया है। अगर आपको लगता है कि इस तरह के और भी डिस्कशन हम करते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले जो आपके एग्जाम हैं जहाँ पर एप्टीट्यूड आता है उससे संबंधित बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमारे इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।